बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आपको जो है एक खुशखबरी शेयर करते हैं और आप हजरात के लिए बड़ी शानदार खुशखबरी है। बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ वो खुशखबरी आपसे हम शेयर कर रहे हैं और वो खुशखबरी अल-मुनीर यूनिवर्सिटी की। ऑनलाइन अल-मुनीर यूनिवर्सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है और अल-मुनीर यूनिवर्सिटी के तहत बहुत से कोर्सेज़ इंशाल्लाह हम आपसे आपकी नस्लों से शेयर कर रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और यूरोप में ख़ास तौर पे और बाकी दुनिया के अंदर आम तौर पे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान उनकी जनरेशन है, उनकी नई नस्लें हैं कि वो इस्लाम के करीब कैसे आएँ, वो अल्लाह के उनका ताल्लुक़ कैसे बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा उनके अंदर कैसे आए। क्योंकि माहौल की आज़ादी आप देख रहे हैं, आज़ादी और आवारगी जो माहौल की है वो आज नस्लों को और जनरेशन को अपने लपेटे में ले रही है। चाँचे बच्चे अब कहीं खुदा का इनकार करते नज़र आते हैं, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो नबूवत की हैसियत पर सवाल करते नज़र आते हैं और कहीं शब व रोज़ की जो अक़ली मुशगाफियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। उसके लिए हमने जो है वो अल-मुनीर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया है और उसके अंदर बहुत से कोर्सेज रखे हैं और पहला अमली कोर्स जो है हम उसके अंदर जो शुरू कर रहे हैं और वह है हिफ्ज़ कुरान का। हमारा दारुल ज़करिया न्यूयॉर्क एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ काम कर रहा है और बनात का शोबा यानी बच्चियों का शोबा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अब तक के कई बैच हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस के फ़ारिग हो चुके हैं, बच्चियाँ आलिमात बन चुकी हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ख़त्म बुखारी शरीफ जो सितंबर में होगा और बच्चियाँ जो आलिमात बनी हैं, जो हाफिज़ात बनी हैं, उनको भी इंशाल्लाह जो वो उनकी दस्तारबंदी होगी। लेकिन जो है उसके अलावा यही बच्चियाँ जो आलिमा बनने के साथ साथ हाफिज़ा भी बन रही हैं, तो बच्चियों का शोबा जारी और सारी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें उसमें इजाफ़ा किया हमने, बच्चों के लिए लड़कों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्ज़ुल कुरान का ये शोबा खोला है। हिफ्ज़ुल कुरान का ये शोबा जो है आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए, क्योंकि एक बात याद रखें, अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को और नई नस्ल को ये दुनिया के माहौल और फितरों से बचाना चाहते हैं, उनको हाफिज़ कुरान बनाइए, उनको हाफ़िज़ कुरान बनाइए, उनके सीनों में अल्लाह का कुरान जो है मोजन करवा दीजिए। इसलिए कि आप जानते हैं कि बच्चे बचपन के अंदर जो कुरान हिफ्ज़ कर लेंगे, बच्चियां बचपन में कुरान हिफ्ज़ कर लेंगी, हिफ्ज़ करने के बाद अब आप उनको कॉलेज में पढ़वाइए, यूनिवर्सिटी में भेजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, किसी भी दुनिया की फील्ड को हासिल करेंगे। जो सीने में जो उनका कुरान है वो कुरान उनको ना तो गुमराह होने देगा और ना उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दूर होने देगा। वो कुरान उनका मुहाफ़िज़ होगा, इसलिए कि कुरान पूरी कायनात का मुहाफ़िज़ अल्लाह का कलाम है। तो जिसके सीने में होगा उस जो सीना कल रोज़ क़यामत में शिफात का ज़रिया बन के औरों को जन्नत के अंदर ले जाने वाला होगा, तो वो सीना ख़ुद कैसे गुमराह हो सकता है। इसलिए ये बड़ी पते की बात कह रहा हूँ, इस बात का एहसास करें। और यहाँ अमरीका यूरोप में ख़ास तौर पर बच्चियाँ और बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद, ज़हीन हैं, समझदार हैं, वो 2-3 साल में बड़ी आसानी से हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो बच्चा 6-7 साल का हुआ, आपने हिफ्ज़ में लगा दिया तो 2-3 साल में हाफिज़ हो गया। और फिर यह कि हिफ्ज़ कुरान के शोबे के साथ साथ उनकी स्कूलिंग चलती रहती है, स्कूलिंग उनके साथ चलती रहती है। उसके बाद जो अपने वो किसी भी पब्लिक स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में दाखिल होकर अपनी बाकी डिग्रियाँ हासिल करें। अलहम्दुलिल्लाह जो बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं उनको तो बल्कि हिफ्ज़ कुरान की वजह से एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलते हैं। इसलिए जो है ये मैंने अपनी निगरानी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क के अंदर ये बोर्डिंग और ये मदरसा बोर्डिंग होगा, लड़कों का बोर्डिंग का मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अनाउंस किया है। इंशाल्लाह सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसका ऐड भी आएगा, उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है। तो आप इसमें देर ना कीजिए, आपके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, आपके जो है बच्चियों का बोर्डिंग की सिस्टम नहीं है, हाँ लड़कों का बोर्डिंग सिस्टम फ़िलहाल है। लेकिन अगर बच्चियाँ प्री बोर्डिंग के लिए हमें मिल गई, तो इतनी बच्चियाँ मिल गई तो हम इंशाल्लाह उनके लिए बोर्डिंग का इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन आप भी तो हौसला करें, आइए आगे कदम बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी निगरानी के अंदर उन बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है और अल्लाह के वली बने, अल्लाह से ताल्लुक़ हो और हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ इस्लाम की बेसिक तालीम भी उनको होगी, बेसिक इल्म भी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ बनने के बाद बच्चा इस काबिल होगा कि खुतबा दे सकेगा, जुमे का नमाज़ पढ़ा सकेगा, माशाअल्लाह सारे औसाफ़ उसके अंदर पैदा करेंगे। यहाँ तक कि वो अरबी बोलेगा, उसकी अरबी बोलचाल तक उसको सिखाएंगे। बड़ा अच्छा हमने सेटअप बनाया है। लिहाजा जो वालिदैन ख्वाहिशमंद हैं जो दादा दादी नाना नानी अपने पोते नवासों को बनाना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता करें और इस मौके को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये बात याद रखें, बच्चों को और नस्लों को बचाना है तो मैं कहता हूँ कि सबको हाफिज़ बनाओ। कोई बच्चा बच्ची ऐसा ना रहे जिसको आप हाफिज़ ना बनाएं, उनको हाफिज़ बनाओ। हाफिज़ बनाने के बाद उनको आप बाकी स्कूलों के अंदर लगाओ, क्योंकि हम भी साथ से स्कूलिंग करवाएंगे उनको, लेकिन वो उनके जो है वो शुरू के ग्रेडों के अंदर ही हाफिज़ हो जाएगा, अब उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में। इसलिए कुरान उनका मुहाफिज होगा और आप हज़रात की भी आखिरत के अंदर शिफात का बायस होगा। लिहाजा जो है आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें तो इंशाल्लाह ये बोर्डिंग स्कूल जो है हम यहाँ पे जो है, और बहुत महदूद सीटें हैं क्योंकि हम चाहते हैं अच्छे तरीके से उनकी तरबियत हो। बहुत महदूद सीटें हैं, हमने जो है वो 3 कैंपस, फ़िलहाल 2 कैंपस अनाउंस किए हैं, अगर बच्चे बढ़ गए तो 3 कैंपस हम अनाउंस कर सकते हैं। तो एक कैंपस में 10 बच्चे हम लेंगे और उनकी उम्रें 10 साल से 15 साल के अंदर अंदर। अगर उससे छोटी उम्र का 8 साल का बच्चा समझदार है तो इंटरव्यू के अंदर जो है वो अगर क्वालिफाई कर गया तो उनको भी रख सकते हैं। तो ये बोर्डिंग होगा, तो वो जो है हम अपने 2 कैंपसों के अंदर 10-10 बच्चों का ये सेटअप रखा हुआ है। तो आप हजरात इसमें जो है वो देर ना करें। हमारी वेबसाइट जो है www.almuneeruniversity.com या .org पर आप जाएँ और फ़ौरन जो आप इनरोल कर लें ताकि महदूद सीटों की वजह से आप महरूम ना रह जाएँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये यूनिवर्सिटी कामयाब हो और आपके बच्चे जो है बेहतरीन हाफिज़ बने, बेहतरीन आलिम बने, और जो भी कोर्सेज़ हमने उसमें अनाउंस किए हैं, जो जिस किस्म के कोर्स लेना चाहता है उसकी तरह इनरोल करेगा। इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।